बात एनसीपी की। दिल्ली में हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उस वक्त ड्रामा देखने को मिला जब पार्टी के नेता अजित पवार अचानक मंच छोड़कर चले गए। मंच का संचालन कर रहे प्रफुल्ल पटेल ने जब भाषण देने के लिए अजित पवार का नाम पुकारा तो वो मंच पर थे ही नहीं। इसके बाद उनका इंतजार किया जाता रहा लेकिन वो लौट के ही नहीं आए। अजित पवार के समर्थक नारेबाजी करने लगे। प्रफुल्ल पटेल लगातार लोगों को भरोसा देते रहे कि वो वॉशरूम में हैं, जल्दी मंच पर आएंगे, लेकिन अजित पवार नहीं आए। उसके बाद शरद पवार के अध्यक्षीय भाषण के साथ अधिवेशन खत्म हो गया। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि अजित पवार किसी बात से नाराज हैं। आखिर बिना किसी सूचना के वो मंच से उठकर क्यों चले गए? आपको दिखाते हैं कैसे प्रफुल्ल पटेल ने उनका नाम लिया और उनको भाषण देने के लिए पुकारा लेकिन वो वहां मौजूद थे ही नहीं। अभी बाय पॉपुलर डिमांड आखिरी भाषण पवार साहब के पहले माननीय अजित पवार साहब का। कहाँ गए? अच्छा तुम्ही आधीच तुम अजित दादा केला ते बसून होते इथे, तुमच्यामुळे ते लवकर बाहेर पडले। बोलू आपण नंतर, त्यांना बोलवतो। अच्छा वॉशरूमला गेले पवार साहेबांच्या भाषण होणे अगोदर, तोपर्यंत अरे एक मिनिट रुको ना, तब तक ये राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस और राष्ट्रवादी स्टूडेंट कांग्रेस के नए झंडों का यहाँ पर और हरियाणा एनसीपी का यहाँ पर नए सॉन्ग का यहाँ पर विमोचन हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।